नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर संयोजक श्रीमती सरबजीत कौर ने बताया कि रेड क्रॉस भवन में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में 147 मरीजों की जांच की गई है और 62 चयनित मरीजों को कल ऑपरेशन कर लेंस लगाए जाएंगे। शिविर में रेड क्रॉस के सदस्यों के अलावा NSS के कार्यकर्ता ने सहयोग किया। शिविर में रेड क्रॉस के दुर्व्यास, KC वर्मा, इद्रिस बोरा, ओम प्रकाश जैन, त्रिलोकचन जैन, किरण शर्मा, सरोज वर्मा, श्यामलता शर्मा, सुमित्रा ओझा आदि सदस्यों ने भाग लिया। सर, ये आज किस उपलक्ष्य में नेत्र जांच का जो आयोजन किया गया है? ये नेत्र चिकित्सा शिविर का रेड क्रॉस सोसाइटी सन 84 से लगातार शिविर आयोजित करती आ रही है और ये 36वां शिविर है। कुछ सालों में दो दो तीन दिन शिविर भी लगे और ये रेड क्रॉस सोसाइटी की परमानेंट एक एक्टिविटी है और पिछले 2 साल से कोविड के कारण नहीं हो पाया था, इस वजह से इस साल हमने ये चालू किया है और यहाँ पे पूरे जिले से मरीज आ रहे हैं और आप देख रहे हो पूरे गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो सब यहाँ पूरा इनकी जांच वगैरह सारी सब निःशुल्क है। हॉस्पिटल में इनके सबके लेंस लगाया जाएगा, उसके बाद जो मरीज बाहर से आए हैं उनके ठहरने और खाने की सबकी व्यवस्था यहाँ रेड क्रॉस भवन में रखी गई है। सारा उस निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है और अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके और बढ़िया अच्छा से अच्छा काम किया जा रहा है। लगभग कितने लोगों की जांच हो सकती है शाम तक? अभी तक 100 की जांच हुई, जिनमें से 70 तो ऑपरेशन के लिए फिट हो गए और अभी भी लगभग 20-25 और वेटिंग में बैठे हैं, तो उम्मीद है 100 से ज़्यादा ही ऑपरेशन हो जाएंगे। तो ऑपरेशन के लिए इनको बाद में बुलाया जाएगा आपकी तरफ से या फिर? नहीं नहीं, ऑपरेशन कल होंगे और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में, हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में होंगे, कल ऑपरेशन हो जाएंगे और परसों सुबह इनका समापन कार्यक्रम। ये ऑपरेशन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किया जी? सब ऑपरेशन का RMRS और रेड क्रॉस सोसाइटी दोनों मिलकर काम करते हैं। आपका नाम और पद बताएं? मैं अशोक विजय हूँ, मैं सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी। धन्यवाद। आपका? सरबजीत कौर। जी, क्या आयोजन है आज? ये रेड क्रॉस की तरफ से कल ऑपरेशन करे जाएंगे आज भी। किस उपलक्ष्य में? कोरोना निवारण के लिए हर साल ही लगते हैं, वैसे 2 साल से नहीं लग रहा कोरोना की वजह से। जी, रेड क्रॉस की सेवा हमेशा देती आ रही है, हर साल सेवा देती है। हर वर्ष से लगाते हो कैंप? ये 2 साल से नहीं लग रहा कोरोना की वजह से, ये तो हर साल लगता है। पिछले कैंप में कितने लोगों ने के ऑपरेशन हुए थे, जाँच हुई थी? 100 के करीब हुए थे।